हाई एवरी वन आई एम कुशल लोढ़ा द फाउंडर ऑफ केगर एंड एट टेक प्लेटफॉर्म एंड फाइनेंस ऑफ स्किलिंग एंड इन दिस वीडियो वी आर गॉन्ट टू डिस्कस हाउ डू यू स्टडी इफेक्टिवली एंड हाउ डू यू अवॉइड ऑल सार्ट ऑफ डिस्ट्रैक्शन आजकल पता है प्रॉब्लम क्या होता है कि अगर आप थोड़ा सा भी टाइम आप मोबाइल फोन पर स्पन्ते हो राइट right? अगर आप वाट्सअप चलाते हो इंस्टाग्राम चलाते हो यूट्यूब चलाते हो या कोई भी सोलिया एप चलाते हो तो उस पर बहुत ज्यादा टाइम चला जाता है एंड दट इज वन ऑफ द मेजर सोर्सेज ऑफ डिस्ट्रक्शन इन टूडेज वर्ल्ड अपार्ट फ्रॉम दट प्रॉब्लम क्या होता है कि बहुत सारे अलग अलग डिस्ट्रैक्शन होते जैसे कोई फ्रेंड्स बाहर बुला लेते मूवी देखने के लिए या तो कॉफी पीने के लिए या तो रिलेशनशिप के

Offers for all the CA students and heavy discounts as well until 8th of October. More than 65% of the students have cleared the CA exam in 2023 of CA Wala. More than 25 students have achieved 300 plus marks as well, and over 80% of their students are coming from Tier 2 and Tier 3 cities, showing the accessibility and affordability that they have. They are introducing batches called CA Sampurna June 2024 and CA Sampurna Pro June 2024. Additionally, they are launching CA Sampurna 2.0 2023 with a master test series. They offer batches for both groups with a master test series called Udesh Regular May 2024, and there'll be live and recorded classes and every Sunday practice test for two subjects will be provided. There'll also be a live doubt-solving session happening every week. And if you are someone who is looking for CA coaching in foundation or intermediate, click on the link given in the description box and use my code KL250 to get additional rupees 250 discount as well. Now coming back to the topic, right? So the first study technique is called as the Pomodoro technique. इसमें होता क्या है कि if you are studying for let's say two hours, जैसे मैंने पिछले वीडियो में time table बताया था कि मैं दो घंटे के slots में पढ़ाई करता था, तो हमेशा Pomodoro technique में क्या होता है कि 25 minutes के बाद you take a short five minutes break, या तो nap ले लो, या तो कोई एक छोटा सा break ले लो, and then 30th minute onwards you have to start studying effectively. इससे होता की 25 मिनट तक की जो पढ़ाई की वो एकदम फ्रेश आपके दिमाग में चली गई पांच मिनट का आपने ब्रेक ले लिया एंड थर्टी फर्स्ट मिनट से आप पढ़ाई करोगे फॉर नेक्स्ट ट्वेंटी फाइव मिनट आपको रिफ्रेश फील होगा एंड यू विल बी एबल टू स्टडी वेरी इफेक्टिवली एंड इन अ वेरी वेरी पॉजिटिव मैनर तो मैं क्या करता था कि अगर सपोज सुबह उठता था राइट right, तो मैं पच्चीस मिनट के लिए पढ़ लेता था पांच मिनट का एक छोटा सा नैप लेता था वो कभी कभी दस मिनट तक भी हो जाता था बट अगेन आई यूज टू फील रिफ्रेश एंड मैं वापस ट्वेंटी फाइव थर्टी तक मैं वापस फुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ पढ़ाई करता था सो दिस इज वेरी वेरी इफेक्टिव एंड एंड ट्रस्ट में अगर आप दो घंटे का स्लॉट में पढ़ रहे हो राइट right, तो पच्चीस मिनट फिर पांच ब्रेक वापस पच्चीस मिनट पांच मिनट ब्रेक ऐसे चार आपको इंटरवल्स लेने एंड देन एक थर्टी मिनट्स का ब्रेक लेना है दो घंटे के स्लॉट के बाद दिस वॉज वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव वे फॉर मी ऑल्सो टू स्टे कॉन्सेंट्रटेड सो दिस इज द नंबर वन स्टडी टेक्निक विच इज कॉल्ड एज द टेक्निक लेट्स टॉक अबाउट द स्टडी टेक्निक टू विच इज कॉल्ड एज वाइट नॉइज फॉर स्टडिंग प्लेलिस्ट बाई स्पॉटिफाई अगर आप स्पॉटीफाई पे जाओगे और वाइट नॉइज फॉर स्टिंग टाइप करोगे तो वहां पर आपको बहुत सारे बहुत सारे इंस्ट्रमेंटल म्यूजिक मिलेंगे एंड इवन इफ यू क्लिक ऑन ईच एंड एवरी म्यूजिक इज देयर वन बाय वन आपको ये रियलाइज होगा कि आपके डिस्ट्रेक्शन पूरे चले जाएंगे अगर कितना भी शोर आपके लाइफ में चल रहा होगा सिंपल से एग्जाम्पल लेते हैं अगर आप रात को सोते हो और फैन चालू होता है तो फैन की आवाज़ कॉन्स्टेंटली चलती है बट आपको फिर भी नींद आती है बिकॉज ये नॉइज जो है वो कॉन्स्टेंटली चल रही है सिमिलरली कोई भी नॉइज अगर एक कॉन्स्टेंटली चलती है अगर आप कूलर के सामने बैठे हो अगर आप ए के सामने बैठे हो उनकी भी थोड़ी थोड़ी आवाज़ होती कूलर की तो बहुत ज्यादा आवाज़ होती है बट ए की भी थोड़ी आवाज़ आती है बट आपको डिस्ट्रैक्शन नहीं होता आपको कंफर्टेबली नींद आती है वाई बिकॉज ये कॉन्स्टेंट नॉइज़ हो रही है द पॉइंट ऑफ टेलिंग दिस इज दैट अगर आपकी लाइफ में कोई कॉन्स्टेंट नॉइज चलती रहती है ना तो आपको कोई भी दूसरी आवाज़ सुनाई नहीं देगी सिवाय ये आवाज़ के एंड देर फॉर दिस प्ले लिस्ट इज़ वेरी वेरी इफेक्टिव अगर आप ये कान में सुन के अगर आप पढ़ाई करोगे ना तो आपका बहुत कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा बट एट द सेम टाइम आई एम टेलिंग यू कि आपको सिर्फ ये तभी करना है जब आप बहुत डिस्ट्रैक्टेड हो गया तो आपका पढ़ाई का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है डोंट यूज इट ट्वेंटी फोर सेवन अरवाइज आपके कान को प्रॉब्लम हो जाएगा जस्ट यूज इट यू आर फीलिंग डिमोटिवेटेड एंड डिप्रेस एंड वेवर यू वॉन्ट सम मोटिवेशन और यू वॉन्ट योर लाइफ दट इज द बेस्ट टाइम टू यूज दिस प्ले लिस्ट दिस द सेकंड स्टडी टेक्निक स्टडी टेक्निक नंबर थ्री फोकस ऑन राइटिंग रादर देन जस्ट लिस्निंग ऑल द टाइम लिस्ट मतलब जब भी, भी आप रिविजन लेक्चर सुनते हो राइट एट द सेम टाइम इफ यू हैव द हैबिट ऑफ राइटिंग डाउन ऑन अ सेपरेट पीस ऑफ पेपर दट इज द बेस्ट वे ऑफ स्टडिंग इफेक्टिवली अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप मॉड्यूल से पढ़ाई करते हो अगर आप कोई रेफरस बुक से करते हो अगर आप वही चीज सेपरेटली एक पीस ऑफ पेपर पर लिखोगे तो आपका माइंड जो है वो लिखने पर भी, भी फोकस करेगा रीडिंग भी फोकस करेगा एंड एज पर अ साइंटिफिक स्टडी राइटिंग इज टू सिक्स टाइम्स ऑफ रीडिंग अगर आप कुछ लिख रहे हो राइट right? तो वो ऐसा माना जाएगा कि आपने बार वो चीज पढ़ ली है एंड दैट्स ए कभी भी अगर मुझे बोर होता था राइट right? तो मैं क्या करता था कोई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट उठा के उसको सेपरेटली पीस ऑफ पेपर पर सॉल्व करता था अगर लॉ या ऑडिट जैसे थियोरोटिकल सब्जेक्ट है तो मैं उनके जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या सेक्शन नेम या सेक्शन नंबर है वो एक सेपरेट पीस ऑफ पेपर पर लिख लेता था ताकि मुझे हेल्प हो जाएगी मैं डिस्ट्रैक्टेड ना रहो और मैं बोर ना होते जाओ अगर आप लिखते हो राइट तो एक फिजिकल एक्टिविटी हो रही है 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 आपका pen आपके हाथ में, and आपका आपका हाथ हाथ हिल रहा रहा पेन आपके में एंड एंड माइंड भी वर्क कर दैट इज वन ऑफ द बेस्ट वेज इन ऑर्डर टू स्टडी इफेक्टिवली एंड जस्ट अवॉइड स्लीप एंड अवॉइड ऑल सॉर्ट्स ऑफ बोर्ड विच विल बी बीर इन योर लाइफ स्टडी टेक्निक नंबर फोर हमेशा हमेशा आपके पास एक स्टॉप ले लो अगर आपके पास स्टॉप नहीं तो स्टॉप खरीद लो अगर आपके पास एक डिजिटल वॉच है तो आप डिजिटल वॉच में स्टॉप शुरू कर सकते हो एंड वो स्टॉप का जैसे जैसे एक एक सेकंड बढ़ता जाएगा राइट आपको वो मोटिवेट करता जाएगा कि टाइम बहुत फटाफट निकल रहा है आज मैं जब ये वीडियो बना रहा हूं मुझे पता है कि टाइम निकलते जा रहा है टाइम बहुत कीमती है अगर आप आपके वक्त को बर्बाद करोगे तो आपका वक्त आपको एक दिन बर्बाद कर सकता है ये ध्यान में रखना एंड जैसे ही टाइम जाता है तो आपको ऐसे लगता है कि अरे यार टाइम तो बहुत फास्ट जा रहा है मुझे पढ़ना होगा मुझे कुछ ना कुछ करना है लाइफ में देरफोर अगर आपके सामने स्टॉप है और अगर वो सेकेंड बढ़ते जाते हैं मिली सेकेंड तो कॉन्स्टेंटली चलते रहते तो आपको वो देख के मतलब अगर स्टॉप राइट में तो उसके पास देखो एंड वापस पढ़ाई पर ध्यान दो आपको ऑटोमेटिकली कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगा ऑटोमेटिकली मोटिवेशन मिल जाएगा। इनफैक्ट एग्जाम में भी स्टॉप क्वेश्चन को कितना फीलिंग आता है यार चलो टाइम तो बहुत दौड़ रहा है हमको वक्त से तेज दौड़ना है ताकि हम लोग हमेशा मोटिवेटेड रहे हम लोग हमारे टाइम का फुल प्रोडक्टिव यूज करें हमेशा एंड लास्ट स्टडी टेक्निक फाइव विच इज अबाउट सीकिंग इंस्पिरेशन एंड जस्ट इंश्योरिंग दट यू आर डूइंग इट फॉर हैव स्ट्रगल सो मच एंड एन नंबर ऑफ थिंग्स फॉर यू दट इज द बेस्ट वे फॉर स्टडिंग एंड जस्ट फोकसिंग ऑन your academics. हमेशा पता है मैं क्या करता था? मैं तो हमेशा ऐसे ही सोचता था कि मेरे मम्मी पापा को मुझे खुश करना है एंड उन्होंने इतना कुछ किया है मेरे लिए कि मैं कभी भी उनको क्वान्टिफाई नहीं कर सकता हूँ एंड दिस इज द बेस्ट वे आई कैन गिव दम हैप्पीनेस फॉर एग्जाम्पल पापा ने हमेशा इश्योर किया कि कोई भी गेस्ट घर पर ना है ताकि मुझे डिस्टर्बेंस ना हो मॉम ने हमेशा इंश्योर किया कि सुबह साढ़े आठ बजे ब्रेकफास्ट मिल जाए वन थर्ट पी एम को लंच मिल जाए फाइव थर्टी पी एम को इवनिंग स्नैक्स मिल जाए सेवन थर्टी पी एम को डिनर मिल जाए एंड रात को साढ़े नौ बजे मुझे गर्म दूध मिल जाए बिकॉज आई एम बिग ऑफ ड्रिंकिंग हॉट मिल्क बिफोर because that just helps me in order to keep my throat comfortable. तो मॉम ने इतना कुछ किया मेरे लिए तो मुझे ऐसा लगता था कि यार मैं इनके लिए क्या कर रहा हूँ मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ एंड अगर मैं सी बन गया तो दैट विल बी द बेस्ट बेस्ट मोमेंट फॉर देम ऑलसो तो जस्ट थिंक अबाउट योर पेरेंट्स हुआ आर डूइंग सो मेनी स्ट्रगल एंड हु आर डूंग सो मच फॉर यू विदाउट इवन क्वान्टिफाइंग विदाउट इवन टेलिंग यू एंड कभी कभी ऐसे होता है कि अगर आप खाना नहीं खाओगे ना तो आपकी मॉम भी नहीं खाएगी इनफेक्ट सी एंसर कि आपने खाना खाया है तभी वो खाएगी ऐसे बहुत बार भी होता है तो रिमेंबर वन थिंग जो भी आप करोगे ना अपने पेरेंट्स के लिए करना एंड जस्ट हैव दिस ड्रीम ऑफ मेकिंग देम प्राउड वन सिंगल डे एंड आपके सीए ए रिजल्ट देखने के बाद वो लोग बहुत ज़्यादा खुश हो गए आप Say, trust me and mark my words this has happened with me personally on 16th of january 2020 ultimately the message which i am trying to give through this entire video is very very simple try to find successful people around you try to seek motivation from each and every success story which is there around you automatically your story will become successful and automatically you will start inspiring thousands and millions of people over the period of time mark these words instead of getting jealous from other people's success start getting inspired Automatically, your story will become inspiring. Thank you so much for watching this video. If you do like this video, share it with all your friends and subscribe to my channel so that I can create more videos for all of you. And do let me know in the comment section which is the topic which you would want me to make a video on. Thank you so much once again for watching this video. See you in the next video.